पाकिस्तान के हैदराबाद में रहने वाले एक फेमस डॉक्टर धर्मदेव राठी की होली की रात को उन्हीं के ड्राइवर ने गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस ड्राइवर ने उनके घर में जो बावर्ची था उसको भी घायल कर दिया और उसके बाद डॉक्टर को गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। इस मामले को लेकर जिस डॉक्टर की हत्या हुई है उसके परिवार के लोग, उसके भाई पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी रहते हैं और उन लोगों ने भारत सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की इस प्रकार की हालात हो रही हैं उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। दरअसल धर्मदेव राठी जो पाकिस्तान के हैदराबाद में स्किन के एक बड़े डॉक्टर थे और नामचीन डॉक्टर थे, उनकी तीन बेटियां हैं जिनमें से अमेरिका और कनाडा में उनकी बेटियां रहती हैं, दो शादीशुदा हैं और डॉक्टर की पत्नी उनकी बेटियों से मिलने के लिए अमेरिका गई हुई थी। इस दरमियान होली यानी 7 मार्च की रात को उनके ड्राइवर ने उनके घर में घुस करके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो बावर्ची था उसको भी घायल कर दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये बात सामने आई है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये पैसों से और लूट से जुड़ा हुआ है। जो ड्राइवर ने उसकी हत्या की है उसने लूट के चलते उस पर डॉक्टर से पैसे लेने को लेकर हत्या की है और उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है उसको लेकर अब भारत में आक्रोश व्याप्त है और मैसूरी समाज के जो बाड़मेर के अध्यक्ष हैं जिनके डॉक्टर चचेरे भाई लगते थे, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि हमारे समाज में रोष व्याप्त है और पाकिस्तान में नामचीन डॉक्टर की इस प्रकार से अगर उनके घर में हत्या हो जाती है तो पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित कैसे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको लेकर सरकार को कोई एक्शन करना चाहिए। मेरा नाम गौतम राठी है, मैं धार समाज का अध्यक्ष हूँ। पाकिस्तान में जो घटना हुई है वो मेरी कजन ब्रदर है, शुरू से वहीं रहते हैं, हम भी वहीं रहते थे, कोटर में यहाँ आए थे, वो वहीं रहता है, उसके बड़े भाई भी डॉक्टर है, छोटा भाई बड़ा मैनेजर है, वही रहते हैं हैदराबाद में, स्किन का डॉक्टर है, स्किन का बहुत बड़ा नामचीन है, फेमस डॉक्टर वहाँ। उनकी हत्या कर दी ड्राइवर ने लालच के कारण। ड्राइवर कौन था, कब की घटना ये? ये परसों रात की 1:30 बजे। ड्राइवर मुसलमान ही था वहाँ का और उनकी तीन बेटियाँ हैं, दो शादी के लिए कनाडा एक अमेरिका, मिसेज गई हुई थी अमेरिका कोई सिस्टर के वहाँ शादी में, पीछे से ये कांड हो गया। तो कहाँ कार में जा रहे थे या क्या बात? ये पूरी तो जानकारी नहीं, लेकिन हत्या घर में ही हुई है। उनका बावर्ची था, उनको भी घायल कर दिया और ड्राइवर ने किए, ड्राइवर ने किए। तो क्या कोई पैसे वैसे भी लेकर गए? पैसे ले गया है, सुना है जैसे टेलीफोन पे संपर्क हुआ, पैसे भी गए हैं और सब ज्वेलर्स चांदी सुना जो भी था। आपकी आपके भाई से आखिरी कब बात हुई थी? मेरी बात नहीं हुई, मेरे कजन भाई थे, उनके बड़े भाई से भी कभी कभी बात होती थी, वो भी डॉक्टर है वहाँ। तो कितना दुख होता है आपको? बहुत दुख होता है, हमारे समाज में आक्रोश है इस तरह से, वहाँ हिंदुओं का ये हालत होती है, इसलिए थोड़ा सा आप भी सहयोग करें। तो आप भारत सरकार से क्या करना चाहेंगे? बस यही चाहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा करें। तो आपको ये कब मालूम चला था कि इस प्रकार की घटना हुई? कल सुबह मेरे बड़े भाई साहब जयपुर थे, उनका टेलीफोन आया, फिर मैंने वो सब देखा। तो समाज में किस प्रकार का आक्रोश है, समाज के लोग क्या चाह रहे हैं? समाज के लोग हैं भाई न्याय मिले, इस तरह से तो होते नहीं घटनाएं, ये गलत है। हमारे लोग वहाँ खूब रहते हैं तो उनको कितने हिंदू तो परिवार काफी रहते हैं। आपके समाज के कितने परिवार वहाँ रहते हैं? हमारे समाज काफी लोग रहते हैं वहाँ, और कभी आना जाना भी आप लोग? नहीं, हमारे रिश्तेदार आते हैं,